सिया राम जय राम जय जय राम 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 रघुनंदन जय जय सिया रघुनंदन आप सभी श्री सीताराम प्रेमियों को सादर जय सियाराम। रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने जगत पिता भगवान श्री राम और जगत माता सीता जी के विवाह महोत्सव की कथा सुनी। जनकपुर से चार चार बहुओं का अयोध्या जी में आना और तीन तीन सासुओं राज परिवार और सारे अयोध्या वासियों द्वारा उनका स्वागत किया जाना आदि प्रसंग आपने पिछले एपिसोड में सुने। श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव के साथ ही उनके जीवन और रामायण दोनों का बालकांड समाप्त हुआ। अब इस एपिसोड से हम रामायण के दूसरे अध्याय अयोध्या कांड में प्रवेश कर रहे हैं। तो चलिए भगवान श्री सीताराम जी की इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं श्री अयोध्या धाम, जहां श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव का आनंद अपने चरम सीमा पर है। अयोध्या कांड का शुभारंभ रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने जिस दोहे के साथ किया है, हम भी उसी दोहे से शुभारंभ करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि जो दायक फल चारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। जब तेरा हम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनु इतनी बिरंची कर दूती। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके अयोध्या धाम अपने घर आए हैं, तब से अयोध्या जी में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बाजे बज रहे हैं। अयोध्या नगर का ऐश्वर्य वाणी से कहा नहीं जा रहा। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है, अर्थात सृष्टि का सारा सौंदर्य सारा आनंद सारा उत्साह सारी शोभा इस समय अयोध्या जी में ही विद्यमान है। और भक्तजनों, कमाल का संयोग है कि अभी अभी अयोध्या धाम में रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद रामलला सरकार अपने धाम में पुनः प्रतिष्ठित होकर विराजमान हुए हैं। भगवान श्री राम के अयोध्या में विराजमान होने को लेकर सरस्वती पुत्र रविंद्र जैन जी ने जो भाव व्यक्त किए हैं, उन्हें रविंद्र रामायण में संकलित किया गया है। आप भी सुनिए। जहां श्री राम जी हैं वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां सुरक्षा है, जहां सुरक्षा है वहां अभय है, जहां अभय है
वहाँ शांति है, जहाँ शांति है वहाँ संतोष है, और जहाँ संतोषी आत्माएं निवास करती हैं उस पुण्यमयी नगरी का नाम है अयोध्या जी। अयोध्या नगरी की सीमाएं हो सकती हैं, परंतु अयोध्या वासियों के आनंद की आज कोई सीमा नहीं है। श्री संपन्न हुआ अवध पाकर सीता मात, वहां अभाव की पेट कहां, जहां लक्ष्मी साक्षात। श्री संग है श्री नाथ। प्रभु श्री राम बचपन से ही व्यवहार कुशल, मृदुभाषी, विनम्र, न्यायप्रिय और दूसरों की सुख सुविधा का सबसे पहले ध्यान रखने वाले थे। विवाह का उत्तरदायित्व कंधों पर आने के बाद उनकी ये विशेषताएं, उनके ये आदर्श और भी परिपक्व होते गए। राम जी अपना हर व्यवहार से मानवता का एक आदर्श स्थापित करते रहते थे। कभी कोई उनके साथ छोटा सा भी उपकार कर देता या अच्छा व्यवहार कर देता तो राम जी उसे कभी नहीं भूल पाते थे। कोई उनका बुरा भी कर देता तो वे अपने मन और क्रोध पर नियंत्रण रखते थे और बुरा करने वाले का भी कभी बुरा नहीं करते थे और ना ही क्रोध करते थे। आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए राम जी शस्त्रों का अभ्यास करते थे और समय निकालकर अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए, अपनी परंपराओं को बनाए रखने के लिए शास्त्रों का भी अध्ययन करते थे। नियम से बड़ों को प्रणाम करना, धर्म द्वारा निर्धारित परंपराओं का पालन करना राम जी की दिनचर्या थी। श्री राम जी नित्य प्रतिदिन कुछ समय निकालकर अपने से बड़ों के बीच में बैठते थे और उनकी कही बातें सुनकर, उनसे सीखकर अपना अनुभव बढ़ाया करते थे। कैसी भी परिस्थिति आ जाए पर वे कभी असत्य भाषण नहीं करते थे, सदा सत्य ही बोला करते थे। राम जी उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे, सबसे बड़े योद्धा थे, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, परंतु उन्हें अपने पद, परिवार और धन बल का रंच मात्र भी अहंकार नहीं था। समाज के साधु संतों, विद्वानों का सदैव सम्मान करते थे, हर दीन दुखी की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। जिन कार्यों को करने के लिए शास्त्र ने, समाज ने और विद्वानों ने मना किया है वो कर्म कभी नहीं करते थे। बड़ों की आज्ञा का पालन करने में और अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी आलस्य नहीं करते थे। अच्छे लोगों से ही उनकी मित्रता थी और बुरे व्यक्तियों के साथ वे कभी भी नहीं रहते थे। अयोध्या जी सहित राम जी को जानने वाला संसार का हर व्यक्ति राम जी के गुणों का प्रशंसक था। राम जी की कीर्ति पताका, राम जी का निर्मल यश संसार में सर्वत्र फैल रहा था। प्रजाजन के मन में राम जी को लेकर बहुत सकारात्मक भाव थे। ऐसे सर्व गुण संपन्न परम यशस्वी राजकुमार रामचंद्र को प्रजा ने अपने राजा के रूप में देखने की कामना व्यक्त की। दशरथ जी की आयु उस समय 60,000 वर्षों की हो रही थी। उन्होंने प्रजा का मन और गुरुजनों का मत
शिरोधार्य करते हुए श्री राम को युवराज घोषित करने का निश्चय किया और श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज कहा कहा अवध बधावा। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु पीप हंकारी। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का सुहावना समाचार सुनते ही सारी अयोध्या जी में बड़ी धूमधाम से बधाई के बाजे बजने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी आनंद में मगन हुई जा रही हैं। उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत सारा दान दिया। गुरु वशिष्ठ जी का अनुशासन पाकर व्यवस्थापकों, प्रबंधकों और सेवकों ने राज्याभिषेक की सारी सामग्री एकत्र कर दी। धरती भर के विभिन्न तीर्थों का जल, समस्त सागरों का जल, समस्त प्रमुख नदियों का जल कलशों में भरकर एकत्र किया गया। पूरी अयोध्या जी को नववधु के समान सजा दिया गया। भांति भांति की औषधियों से मिलाकर बने हुए सुगंधित धूप जलाए गए, जिनसे सारा वातावरण सुगंधित, आनंददायक और कल्याणकारक हो गया। लाखों ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए दूध, दही, घी आदि से मिलाकर सात्विक भोजन बनाए जाने लगे। सारे अयोध्या में तलवार, कृपाण और धनुष बाण धारण करके हजारों सैनिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात हो गए, ताकि भीड़ बढ़ने से प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। गुरुदेव वशिष्ठ और महाराज दशरथ की आज्ञा से मंत्री सुमंत्र जी श्री रामचंद्र जी को उनके भवन से दशरथ जी के महल में ले आए, जहां पहुंचकर राम जी ने पिताश्री और गुरुदेव को प्रणाम किया। दशरथ जी ने रामचंद्र जी को राज्याभिषेक के पहले राजनीति की कुछ बातें समझाते हुए कहा, राम, यद्यपि तुम नीति निपुण हो, सर्वगुण संपन्न हो, तथापि राजनीति की कुछ सीख मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अपने कामनाओं और क्रोध पर नियंत्रण एक राजा का पहला गुण है। प्रत्यक्ष रूप से प्रजा दरबार लगाकर और अप्रत्यक्ष रूप से गुप्तचरों द्वारा राज्य का सारा समाचार जानते रहना दूसरा गुण है। मंत्रियों, पदाधिकारियों और सेवकों सहित सारी प्रजा को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करना, राजकोष और सेना को सदैव सबल, प्रबल और समृद्ध रखना आदि ऐसे गुण हैं जो यदि राजा में हो तो वह एक कुशल, सफल और यशस्वी राजा प्रमाणित होता है। श्री रामचंद्र जी ने पिता की सीख शिरोधार्य की और उनकी आज्ञा पाकर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर अपने भवन में वापस चले आए। पिता दशरथ जी सहित गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर रामचंद्र जी अपने महल में वापस तो आ गए, परंतु अभिषेक के समाचार से उनके मन में प्रसन्नता नहीं हुई। वे मन ही मन विचार करने लगे कि हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए, पले बड़े, एक ही परिवेश में बड़े हुए और अब तीन को छोड़कर मात्र एक का ही राज्याभिषेक किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। भाइयों का अधिकार तो समान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने
रामचरितमानस में लिखा है, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल कदराई, विमल बंस यह अनुचित एक, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। सारे भाई एक साथ जन्मे, भोजन करना सोना, बचपन के सारे खेल कूद, यज्ञोपवीत, विवाह आदि सब एक साथ हुए, परंतु इस निर्मल सूर्य वंश में यही एक अनुचित कार्य हो रहा है कि और सभी भाइयों को छोड़कर राजाभिषेक एकमात्र बड़े भाई का ही हो रहा है। धन्य है ऐसे प्रभु श्री राम जिनकी सोच, जिनका व्यवहार, जिनका हर विचार मानवता के लिए एक सीख है, एक आदर्श है। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के समाचार से अयोध्या में जन जन के मन में हर्ष अपार उत्पन्न हुआ है। रामचंद्र जी के मन में भाइयों के अधिकार को लेकर एक आत्मीय विचार उत्पन्न हुआ है, किंतु देवताओं के मन में एक द्वंद्व, निराशा और हाहाकार उत्पन्न हुआ है। देवताओं को अयोध्या का उत्साह बिल्कुल उसी तरह अच्छा नहीं लग रहा जैसे चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। देवता चाहते हैं कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजपथ पर विराजमान ना होकर वन को जाएं और खल खंडन असुर विनाश के अपने वचन को पूरा करें। इसके लिए उन्होंने सरस्वती माता से बड़ी अनुनय विनय और प्रार्थना की कि हे माता, आप ही कुछ करो और अयोध्या में ऐसा उच्चाटन फैलाओ कि राम जी वन को चले जाएं, असुरों का वध करें और सुरों का कार्य सिद्ध हो। इच्छा ना होते हुए भी देवताओं का कार्य संवारने और धर्म की रक्षा का विचार करके सरस्वती माता अयोध्या आई और कैकेयी की दासी मंथरा की बुद्धि भ्रमित करके चली गई। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी के जस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। कैकेयी की एक मंथरा नाम की मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती माता उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर चली गई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से सरस्वती माता द्वारा प्रेरित मंथरा की बुद्धि ने उसे क्या क्या करवाया, यह हम सुनेंगे सुनो श्री राम कहानी के अगले भाग में। साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की सारी कथाएं सुनते रहें। और साथ ही साथ एक बात और याद रखें, अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम, 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 रघुनंदन रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा।